वेट करने के बाद मैं दूंगा टेस्ट, तो मिलता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और भाई मैं रेडी हूँ अपने डे को स्टार्ट करने के लिए। सुबह उठते ही थोड़ा सा डे को ऑर्गेनाइज करना था, कुछ छोटे मोटे काम पड़े हुए मुझे, जैसे मेरा टेबल साफ़ करना है, मुझे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वे में हो गया है वो चीज़, तो वो करना है। तो अभी मैं जाता हूँ पहले मेडिटेशन करने, मेडिटेशन करने के बाद करूँगा अपने डे की प्लानिंग। तो मिलता हूँ मैं आपसे डे प्लान के टाइम। अभी थोड़ा सा ये मेरा टेबल जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको भी ऑर्गेनाइज करना है। बुक्स वगैरह भी थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। A few inches later, तो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है सब कुछ। बेड वगैरह भी पसरा हुआ था तो वो भी ठीक कर लिया है, और जितना भी था वो सारा ऑर्गेनाइज कर लिया। जो नोट्स मुझे बनाने थे, मतलब अपलोड करने थे, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वो भी कर लिया। तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी लगभग 10 बज गया है और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी या तो मैं टेस्ट दूंगा, या तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने के बाद जो अपलोड करता हूँ ना मैं, तो लगभग 4-5 घंटा लगता है उसको वापस से, जैसे जो रेजोल्यूशन 4K में अपडेट होने में, तो वो चीज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले उसको एडिट करके अपलोड करके बस छोड़ दूँ, फिर मैं टेस्ट दूँ। तो आई थिंक मुझे पहले ब्लॉग एडिट कर लेना चाहिए। तो जाता हूँ पहले ब्लॉग एडिट करने, ब्लॉग एडिट करने के बाद मैं दूंगा टेस्ट, तो मिलता हूँ मैं आपसे ब्लॉग एडिट करने के बाद। तो अभी लगभग 12 बज गए हैं और भाई साहब मेरा सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग में आधा ही पार्ट एडिट हुआ है, आधा से भी एक्चुअली कम एडिट हुआ है। क्योंकि ऐसे आप जब बाहर जाते हो तो बहुत सारे आप शॉर्ट्स लेते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे शॉर्ट्स होते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी इंक्लूड करना, वो भी इंक्लूड करना, और उन सारों को आप अच्छे से एडिट करना चाहते हो। तो मैं ही उसी कैटेगरी में हूँ, मुझे लगता है कि यार ब्लॉग थोड़ा अच्छे से एडिट हो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जैसे ही ब्लॉग कंप्लीट होता है तो 1 बजे मुझे मेंटोरशिप करवाना है अपना, मतलब मैम से मिलना है मुझे वर्चुअली वीडियो कॉल पे, ताकि अभी एग्ज़ाम पास में है तो एक बार मैं उनसे गाइडेंस ले लूँ कि आगे अभी आगे का क्या प्लान रहना चाहिए, और जो भी मेरा इश्यूज़ है मैं उनसे डिस्कस कर लूँ ताकि मुझे थोड़ा और बेनिफिट मिल जाए। तो उन्होंने मैम ने 1 बजे का टाइम दिया है, तो आई होप कि 1 बजे तक का जो ब्लॉग एडिटिंग वाला काम है वो ख़त्म हो जाए, ताकि मैं मैम से अपना जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर आउट कर सकूँ। तो मिलता हूँ मैं लगभग 1 बजे आपसे। तो अभी के लिए बाय बाय। तो अभी लगभग 1 बज गया है और अब जाकर मेरा हो गया है व्लॉग एडिट कंप्लीट, उसको अपलोड करना अभी भी बाकी है। तो क्योंकि अभी 1 बजे मुझे मैम से बात करना था, मिलता हूँ मैं आपसे मैम से बात करने के बाद। भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने देर से व्लॉग एडिट कर रहा था भाई भाई भाई। वैसे एडिट काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। A few inches later. तो मैम से बात करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें क्लियर आउट हो गई है, तो अभी मैंने भी प्लान बना लिया अपना सारा कुछ। तो अभी लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैंने जो भी व्लॉग एडिट किया था ना उसको अपलोड वगैरह कर चुका हूँ, और मैंने खाना वाना खा लिया है। तो अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, जा रहा हूँ बाहर थोड़ा घूमने, थोड़ा रिलैक्स करने। तो अभी कार में वैक्यूम क्लीनिंग हो रही है इंटीरियर की, और अभी बाहर से भी ये पूरा गाड़ी गंदा हो चुका था, तो वही धुलवाना है। मैं यहाँ पर धुलवा रहा हूँ।